नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कैंडल के बारे में जानेंगे, जिसे हम स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप में बनता है तो इस कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, और इसे हम स्पिनिंग बॉटम भी बोलते हैं अगर ये डाउन ट्रेंड में बनते हैं तो। आज हम इस वीडियो में परफेक्ट स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम पैटर्न कैसे होते हैं और इन पर ट्रेड कैसे करना है ये सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाइनरी स्ट्रेटजीज के भी वीडियोज बनाने के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, इसलिए मैंने कैंडलस्टिक एनालिसिस नाम से नया चैनल क्रिएट किया था, जिस पर अभी मैं वीकली बेस्ट वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट वीक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपलोड किया था, और कल इस स्ट्रैटेजी पर फिल्टर करने का तरीका, इसका पार्ट टू अपलोड करूंगा। कैंडलस्टिक एनालिसिस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। अगर आप भी बाइनरी से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है इसे आइडेंटिफाई करना। इस कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए बस ये सिंपल तीन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला है, ऊपर और नीचे लंबे लेग्स के बीच में अगर एक स्क्वायर बॉडी बनता है तो उसे हम स्पिनिंग टॉप या बॉटम बोलते हैं। अगर ये टॉप में बनता है, अप ट्रेंड के टॉप में बनता है तो स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, और यही कैंडल अगर नीचे बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं। ये दोनों कलर्स में होते हैं, रेड में भी होता है और ग्रीन में भी होता है। तो स्क्वायर बॉडी बनना चाहिए ऊपर और नीचे लंबे लेग के बीच, और ये जो ऊपर और नीचे के लेग्स हैं ये लगभग इक्वल होना चाहिए, बराबर साइज के होना चाहिए। इसका हाइट जितना है ये नीचे वाले का भी हाइट लगभग सेम होना चाहिए। बिल्कुल इक्वल तो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग सेम होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और बीच में स्क्वायर बॉडी होना चाहिए। स्क्वायर होने के लिए ये जो कैंडल का लंबाई है और चौड़ाई है ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होते हैं तो हम इसे स्क्वायर बोलते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, जब हम MT4 चार्ट पर ये कैंडल देखते हैं तो हमें ये स्क्वायर मिल जाता है, लेकिन उसको जूम करते हैं या जूम आउट करते हैं तो वो स्क्वायर नहीं दिखता है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको MT4 चार्ट पर ये जो जूम करने का प्लस साइन है इसको फुल जूम करना है, कैंडल्स को फुल जूम करना है जितना जूम होता है। उसके बाद सिर्फ एक बार जूम आउट करना है। ये करने के बाद अगर आपको स्क्वायर बॉडी दिखता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बॉडी उसको हम मानते हैं, क्योंकि हम एनालिसिस लगभग चार्ट इसी कैंडल स्टिक साइज में देखते हैं, ज़्यादा बड़े में भी नहीं देखते हैं, ज़्यादा छोटे में भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि छोटे में पैटर्न अच्छे से नहीं दिखता है, बड़ा में वो भद्दा दिखता है। तो ये परफेक्ट है, फुल जूम करने के बाद एक बार जूम आउट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये स्क्वायर बॉडी है, ऊपर और नीचे लंबे लेग्स हैं, और लगभग ऊपर और नीचे के लेग्स हाइट बराबर है, और बीच में सेंटर पर ये स्क्वायर बॉडी है, इसका लंबाई और ये चौड़ाई लगभग बराबर है। तो ये हुआ स्पिनिंग बॉटम, ये डाउन ट्रेंड के नीचे बना इसलिए स्पिनिंग बॉटम हुआ। अगर यही कैंडल ऊपर बनता तो ये स्पिनिंग टॉप बोलते। ये पहला कंडीशन है, ऊपर नीचे लंबे लेग्स के बीच में एक स्क्वायर बॉडी होना चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो, स्पिनिंग टॉप अप ट्रेंड में मिलना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस में मिलना चाहिए, और स्पिनिंग बॉटम डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए, नीचे मिलना चाहिए, सपोर्ट में मिलना चाहिए। ये नंबर दो पॉइंट हुआ। नंबर तीन, ये कैंडल्स इनडिसीजन का संकेत करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अगर ये सेंटर में मिलते हैं तो। जैसे ऐसे बीच में मिलते हैं तो ये इनडिसीजन का हमें
संकेत करते हैं, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, वैसा हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। अगर ये नीचे मिलते हैं, डाउन ट्रेंड में नीचे मिलते हैं तो हम बाई का सिग्नल ढूंढेंगे, और ऊपर मिलते हैं तो हम सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। नंबर दो हुआ। नंबर तीन पॉइंट, बाई करने के लिए स्पिनिंग बॉटम के लिए ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, रेड पर हम नहीं करेंगे, और स्पिनिंग टॉप के लिए सेल करने के लिए हमें रेड कैंडल चाहिए। बस ये हो गया। अब हम चार्ट पर देखते हैं। जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, आज संडे है, मार्केट बंद है, फ्राइडे को 1808.5 में बंद हुआ था, कल ओपन होगा। तो इसमें हम फाइंड आउट करने के लिए सपोर्ट में स्पिनिंग बॉटम देखेंगे और रेजिस्टेंस में ऊपर स्पिनिंग टॉप देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें मिलता है तो भी हम ले सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल आप यहां से एक बुलिंजर बैंड ऐड कीजिए। यहां पर इंडिकेटर्स में जाने के बाद ट्रेंड पर आपको ये बुलिंजर बैंड्स होगा, इसको क्लिक कीजिए, बाय डिफॉल्ट पीरियड का ऐड कर दीजिए। अब ये बैंड का सपोर्ट बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, इसमें अगर हमें परफेक्ट स्पिनिंग बॉटम मिलता है तो उसके बाद हम वहां पर बाई सिग्नल लेंगे। जैसे यहां पर ये बना था, ऊपर नीचे का लेग लगभग बराबर था, बीच में एक स्क्वायर बॉडी था, और ये लोअर लाइन पर बना था। लोअर लाइन पर अगर हमें रिवर्सल परफेक्ट कैंडल बनता है, मिलता है बैंड के लोअर लाइन पर, तो उसके बाद कुछ देर मार्केट ऊपर जाता है। जैसे यहां भी वैसे ही हुआ, यहां परफेक्ट बना, स्पिनिंग बॉटम बना। ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद दूसरा ओपन होते ही हमें ट्रेड नहीं लगाना है। ये जो कैंडल जहां ओपन हुआ था, इसका बॉडी का नीचे जहां ओपन हुआ था, नीचे का लाइन है, उसके पास कैंडल थोड़ा पुल बैक नीचे आता है तो यहां पर हमें बाई सिग्नल लेना है। इसके थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाना है और 1:2 डबल का टारगेट रखना है। अगर हमारा $10 का लॉस होगा तो $20 का हम प्रॉफिट रखेंगे। एक ये हुआ वन डे टाइम फ्रेम पर, और दूसरा स्पिनिंग बॉटम हुआ ये। अब टॉप ऊपर मिलेगा, नामी टॉप है तो ऊपर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट मिला था, लंबे लेग्स थे ऊपर नीचे, ये स्क्वायर बॉडी बीच में था, और ये बुलिंजर बैंड को लाइन को टच करके या उससे ऊपर बनना चाहिए, ऊपर बना था, ऊपर नीचे बराबर लेग्स थे और सेंटर में ये स्क्वायर बॉडी था, तो ये स्पिनिंग टॉप हुआ। टॉप हमें रेड में चाहिए क्योंकि हम सेल का सिग्नल लेंगे, ग्रीन में नहीं लेंगे, उससे रेड थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। और जो ये बॉटम का था, ये हमें ग्रीन में चाहिए, रेड पर हम नहीं लेंगे। यहाँ पर रेड बनेगा तो दूसरा भी रेड बनते नीचे चला जाएगा, इसलिए ये ग्रीन पर लेना है। और ये टॉप जो है, ये रेड पर हमें सिग्नल लेना है। ऐसा बनने पर जहाँ बॉडी ऊपर स्टार्ट हुआ था, बॉडी का ऊपर वाला लाइन, रियल बॉडी का ऊपर वाला लाइन पर जब पुल बैक ऊपर जाता है तब हमें सेल करना है। यहाँ का थोड़ा सा ऊपर का एसएल लगाना है, 1:2 का टारगेट रखना है। ये बहुत सिंपल, ये वीकली टाइम फ्रेम पर सेल का सिग्नल मिला था और डेली टाइम फ्रेम पर बाई का सिग्नल मिला था। ये लंबे टाइम फ्रेम का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप 2-4 महीने बाद ये वीडियो देखते हैं तो भी आपको ये आसानी से दिख जाएंगे एग्जाम्पल के लिए। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।